Assalamu alaikum, it's NSRP Lounge and good morning and how are you all? And जी आज हम बच्चों का नाश्ता बना नहीं रही हूँ, जस्ट कह रही हूँ कैसे कि रात में बच्चे गिरे के ये बनाए थे हमने जो बहुत डिलिशियस बने थे माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े के बने थे। सो आज जिस मैं बच्चों को ये दे रही हूँ इसको मैं निकाल के एज इट इज़ दूँगी, इसको सब साफ कर लिया जाए, ठीक है। बहुत ही फ़ायदा हो गया मुझे ये बना के देने का, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। इवन दैट माई हस्बैंड लव दिस, इस तरह ज़रूर बना के देना। अभी बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क था तो मैंने उसकी चीज़ बनाई थी कि बहुत टेस्टी चीज़ बनी थी, ठीक है, बच्चों ने खाया। अभी ये जो है ठंडा है तो मैं अभी इसको रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और साथ में और बनाए थे रात में तो बस वो भी दे देते, टू टू थ्री पकौड़ा दे देते साथ में। सो ईज़िली बच्चे जो हैं, और फ्रेश भी फ्राइडे है तो जल्दी आ जाएंगे तो इसलिए कोई टेंशन नहीं। साथ में एज अंगूठा हम दे देंगे खजूर, दो खजूर। सो दैट्स इट, सो ये हो गया। बस इसको करते हैं साइड पर, पानी की बॉटल्स की रेडी कर लेती हूँ जल्दी से। ठीक है, लाइक दिस। और क्या करना है मुझे कि अब हम क्या करेंगे, और मुझे अपने चाहिए कंज्यूम करना है जो कि बस कल ख़त्म हो जाएगा, फिर घुमाना है, फिर वैली को पहले तक इंतज़ार करके फिर घुमाऊँगी। और अब आ गई हैं गर्मियाँ तो इसको ठंडा पानी पिया नहीं जाता मुझसे, तो मेरा दिल है थोड़ा सा पानी डाल के इसको अंदर सोक करने के लिए रखा करूँ और फिर बाद में और पानी आके इसको पी लूँ, फिर इसको मिक्स करके पी लेती हूँ। अभी बच्चों ने कुछ खाने के लिए बनाना है तो वो अंडा बना लेते हैं चूल्हे खा के चले जाए, या पराठा, बस वो एक काम रह गया अभी खाने के, क्या ये कर लेते हैं कुछ ऐसे। यहाँ जल्दी से ना मैंने बस अंडा अंदर में थोड़ा सा मैदा ऐड किया, शुगर ऐड की, बस लाइक अ पैनकेक टाइप बनने का कर लेते। अभी बच्चे थोड़ा सा खा भी नहीं, कुछ ज़्यादा खाते नहीं हैं फिर बस ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है बच्चों का। और यहाँ जो है ना कल अभी पालक लेकर आए थे रात में तो ऑफिस से आते थे तो मैंने कटनिंग करके रखी थी, मैंने यहाँ विंडो के सामने रखी थी ताकि रात तो ठंडी होती। अभी फिर मैं ये भी करके रखूँगी, आज तो पालक और बना ली, पालक और शनौर की बैठ करके और बना लूँगी रेसिपी इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ईजी है।
नाश्ता तैयार हो चुका है और यहाँ जो है ना मैंने अपने हबी के लिए ना स्पेशल बॉक्स निकाला जो हमने काफ़ी टाइम पहले बाय किया था और आज फाइनली वो यूज़ होने वाला है। इसमें चटनी रख दी है, आज वो पकौड़े लेके जा रहे हैं, साथ में अंडा और पराठा हो गया। ठीक है, ये उनका भी लंच बॉक्स आज तैयार हो गया। ठीक है, और ये मैं लेके जा रही हूँ, खाना स्टार्ट करते हैं। ना इनके असेसमेंट स्टार्ट हो गए हैं फर्स्ट से, तो उसका पूरा सिलेबस आ गया प्ले ग्रुप का। उसके बाद फिर इनके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए असेसमेंट पूरा मंथ ही रहेगा ये वाला इनका मार्च का। चलो खैर, ये दोनों आ गए हैं और मैंने ना ये कट करके ना मैं इसको वॉश कर रही हूँ। जब तक ये बॉयल होगी ना मैं तब तक जो है मसाला बना लूँगी और इसको जो है ना रख देंगे साथ में। मैंने अच्छे से पानी निकाल दिया, मतलब मिट्टी वगैरह जो भी हो ना डस्ट उसमें निकल जाए, तो इसको मैं बॉईल कर लूँगी सही है, और साथ ही मैं ना इसका मसाला बनाऊँगी। बहुत ही सिंपल सा इजी सा तरीका है और जो है आपकी ना मज़ेदार सी जो ना रेसिपी तैयार हो जाती है। मेरा दिल है कि मैं आपके साथ आज रेसिपी शेयर भी कर दूँ, वैसे तो मैंने इतनी बनाना सिखाई नहीं है। सो लेट्स सी, अगर टाइम मिला तो ज़रूर कर दूँगी। आज है वैसे भी फ्राइडे, फिर नमाज़ वगैरह ना ज़रा कज़ा हो जाती है, अगर मैं इन कामों में लग जाऊँ तो फिर उसको प्रेफर करना होता है। और तो नमाज भी वो भी सिखा रही हूँ ना साथ साथ। अच्छा बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी ना लंच प्लस नाश्ता और मैं यहाँ पर बना रही हूँ जल्दी जल्दी लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाऊँगी और ग्रीन चिली भी इसमें कट करके। ठीक है, और प्याज दो लिए हैं, दो उधर टमाटर, इनको अच्छे से कट कर लूँगी। ठीक है, फिर इसका मसाला रेडी करेंगे और मसाले में हम ऐड कर देंगे ये, तो ये मैं आपके साथ साथ शेयर भी करूँगी। बड़ा टेस्टी और मज़ेदार सा बन जाता है। और ये हमारी पालक यहाँ पर गर्म हो रही है, गर्म हो चुका है, सो यहाँ ये हो रहा। ठीक है, अच्छा ना यहाँ देखें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अलग से रेसिपी तो मैंने नहीं बनाई। प्याज को ब्राउन करके लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था और अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और इसको भी ना अच्छा सा मसाला जैसे हर सालन के लिए होता है ना वैसा बना रही हूँ। ठीक है, ये और स्पाइस वगैरह सारे इसमें बेसिक मसाले डाल रही हूँ, टर्मरिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर एंड सॉल्ट जैसे। ठीक है, और खनौर क्यूब का, अच्छा खनौर क्यूब ये 60 रुपीज़ का है और इसका टेस्ट जो है ना चिकन का आता है, वाकई में आता है, तो ये गलत नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, इसकी ओपन आराम से इसको करना है आपने ओपन, और इसमें होते हैं टूल्स। ठीक है, तो एक मन आप ले लें और इसको डाल दें। अगर आपकी फैमिली बड़ी है या आप ज़्यादा पालक बना रहे हो तो फिर आप इसमें टू भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ वन काफ़ी होता है ना, क्योंकि हमें जस्ट टेस्ट चाहिए ना कि वैसे। सो मैंने बस ये डाल के ना वन मैं ही एक ही डालती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती, और ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा इसमें। और सॉल्ट आपने ना बहुत ज़्यादा सालन में नहीं डालना क्योंकि इसमें भी ना सॉल्ट होता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। ये बहुत मज़े का टेस्ट इसमें डेवलप कर देगा। अच्छा आज मुझे लग रहा है थोड़ी सी पालक ज़्यादा है, सो पालक भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, इसको मैं जस्ट ड्रेन कर लूँगी इसका वाटर और टैप वाटर से इसको वॉश करेंगे ताकि इसका कलर भी ग्रीन ही रहे, तो इसका कलर ग्रीन रहता है। और हम इसमें अभी स्पाइस ऐड करते हैं और इसका अच्छा सा मसाला बनाते हैं। जितना अच्छा मसाला बनता है उतना ज़्यादा आपका टेस्टी खाना होता है। और मैंने आलू भी कट करके रखनी है दो, सो जस्ट इसको भूनते हैं अच्छे से और फिर हम आलू डाल के इसको भूनेंगे और गलने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही आलू आपके हो जाएंगे तो हम इसमें ये डाल देंगे क्योंकि ऑलरेडी डन है, तो मज़ेदार सा आपका पालक चिकन पालक आलू पालक चिकन हो जाएगा, चिकन का फ्लेवर होगा तो चिकन तो ऑब्वियसली होगा, सो ये डन हो जाएगा हमारा। ठीक है,
ये छोटी सी एक ट्रिप होती है, आप मज़ेदार खाना आपके बच्चे शौक से खाते हैं तो बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना था लास्ट टाइम भी इसी तरह मैंने बनाया था, बच्चों को बहुत अच्छा लगा था, कोई कमी नहीं कि आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे ना तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, बड़ी एफर्ट होती है। और आप लोगों की बहुत सारी दुआएँ चाहिए चैनल को प्रमोट करने के लिए, तो कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल, और दुआ में ज़रूर याद रखना है आपने। ये देखिए मसाला कितना अच्छे से फाइन सा हो चुका है, मैं भी डाल दूँ पोटैटोस, इनको अच्छे से ना फ्राई कर लेते हैं इसमें, और थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ढक दूँगी, स्टीम पे ही अपनी गल जाएंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। पालक को मैंने टैप वाटर से वॉश करके देखिए इस तरह से रख दिया, फिर मैं एट द एंड इसमें ऐड करके थोड़े इसको पकने देंगे और मज़ेदार सा हमारा साथ तैयार हो जाएगा। ये आज की रेसिपी की उम्मीद करूँगी आपको अच्छी लगेगी। ये देखें आलू बिल्कुल जो है ना, ये देखें हो चुके हैं, ये इस तरह से टूट रहे हैं, तो इस स्टेज पे मैंने, और देखा मैंने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा सा पानी डाला था, और ये मसाला बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, मतलब मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं इसी स्टेज पे इसमें पालक ऐड कर दूँगी। अच्छा बेटा सही है, तो अब मैं इसको उसमें ऐड करके ना मिक्स कर रही हूँ, और फिर इसको ना बिल्कुल लो फ्लेम पे ना दम वाली पे, ताकि इसका जो है ना सारा मसाला इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ना मज़े का ये बनता है, कुछ लोग जो है ना डायरेक्ट विदाउट बॉयल पालक भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं तो बॉयल करके ऐड करती हूँ, मेरी मम्मा भी इसी तरह बनाती हूँ, और बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से। हर किसी का फ्लेवर अलग होता है, और कुछ ना हाथ का जायका भी होता है, तो हर तरह से डिफरेंट डिफरेंट डिश होती है। और इसको अभी मैं जो हूँ बस थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी पहले, और फिर इसको मैं ना लो फ्लेम पे बिल्कुल दम वाली पे छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से हो जाए। जब तक ये देखें सालन मैंने दम पे रखा हुआ, ये इसी का पानी जो इसके अंदर होता है ये इसी में अब्जॉर्ब हो जाएगा सारे नमक नीचे अच्छे से। और यहाँ मेरा ना लेमन ग्रास टी बन रही है विदाउट एनी शुगर, मैं बनाऊँगी और ये एक कप पीऊँगी, काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं पिया था, सो क्योंकि वेट लॉस जर्नी भी साथ साथ चल रही है, आई हैव लॉस्ट इट माई 5 kg वेट, ठीक है। और जब से मैंने चिया सीड स्टार्ट किया है, मैंने बीच में एक्सरसाइज भी बिल्कुल ही छोड़ दी थी, लेकिन चिया सीड और डाइट कंट्रोल थोड़ी मैंने की है अपनी, और मेरा वेट काफ़ी लॉस हुआ है मतलब, और इंशाल्लाह रमज़ान में मैं और ज़्यादा करूँगी, मुझे मतलब मोटिवेशन मिल रही है। तो आप लोग अगर अपना वेट अराउंड योर बैली एंड जो हिप फैट होता है ना, स्पेशली जो साइड्स पे हैंडल्स बन जाते हैं आपके पियर बॉडी, वो मेरा कम हुआ है, जो मुझे बहुत खुशी है इसकी कि मैंने कम कर दिया। और इसको बस बंद करती हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड करके इसको बस ढक देती होती हूँ जब फ्लेम ऑफ करती हूँ, लेकिन अभी ज़ीरा ख़त्म हो गया तो मैं नहीं ऐड करी, तो इसी तरह इसको यूज़ करती हूँ। और यहाँ मेरी वैक्स भी हो रही थी गरम, ठीक है, डर्मा शाइन की ब्रिजीलियन वैक्स, ये भी गरम कर रही थी मैं। और ये ना आपके हैंड्स पे जो हार्ड बाल्स होते हैं या फेस के ऊपर, तो उस पर भी बड़ी अच्छी चल जाती है, सो यहाँ मैं ये पीऊँगी अभी, और बच्ची को भी मैं छोड़ के आती हूँ जब तक। यहाँ मैंने पानी रखा है बॉयल होने के लिए, पीने वाला पानी, और यहाँ मैं कुछ ट्राई करने वाली हूँ न्यू रेसिपी, तो वो आपके साथ भी शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ सालन हमारा बन चुका है, ठीक है, यहाँ पर इसको साइड पर करती हूँ, ज़रा कुछ रेसिपी बना रही हूँ, तो आपने ज़रूर, मैं अलग से अपलोड कर रही हूँ तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, तो मैं क्या बनाती हूँ आज डिफरेंट सा, ठीक है। टैटो है, और मेरे पास ना कल की बची हुई जो था ना, जो मैंने बनाया था पिज़्ज़ा, उसकी डो पड़ी हुई, तो मैं उसको ज़ाया नहीं करूँगी, तो मैं उसके साथ कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ, लेट्स सी। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर मेरा पूरा प्रॉपर सेटअप लगा हुआ है फॉर द रेसिपी ऑफ ब्रेड, पोटैटो ब्रेड, ठीक है, बेक करके हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो
यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ देख रहे हैं आप, एक रेसिपी को बनाने के पीछे कितना कुछ होता है, ये देखें कितना मैसी हो गया है सब कुछ। यहाँ पर रेसिपी बन रही है, रेसिपी जो है मैं इंशाल्लाह लगा दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, लिंक भी लगा दूँगी साथ ही। यहाँ पानी बॉयल हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको पहले ये दिखा चुकी हूँ, बस मैं इसको निकालती हूँ बॉक्स में। आटा गूंदना है मुझे और बर्तन वॉश करने हैं। आप पता है माओं के काम कभी ख़त्म नहीं होते। कल का मूड इसलिए मेरा बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा हुआ ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बाहर रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। बहुत ही मज़े का तुमने पिज़्ज़ा बनाया था। वो पिज़्ज़ा हट का, वो पिज़्ज़ा पॉइंट का खाते हैं अफवानी फीस, और उनको बिल्कुल वैसा लग रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो यहाँ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मैं जो हूँ ना, चोट लग जाएगी भाई को, अपने सारे काम समेट रही हूँ। यहाँ पर जो है ना, मैंने ये देखें बेक हो चुका है, बस इसको निकाल रही हूँ, रेसिपी शेयर करूंगी। और ये देखें दोनों क्या बने हुए हैं यहाँ पर। I made it on myself. Okay guys, तो आप भी तैयार करके देख लेना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी का भी मास्क है, तो हम इसके अंदर से देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा मास्क है, लाफे हम जा रहे हैं। सो अभी मैं ये निकालती हूँ, इट्स फुली बेक्ड, बहुत ही मज़े का लग रहा है देखने में। चल निकालती हूँ फिर देखती हूँ कैसा बना है। तो यहाँ जो है ना पोटैटो ब्रेड हमारी तैयार हो गया, मैं ये बच्चों को देती हूँ, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। सो बहुत गर्म है, तो लेट्स सी हाउ इज द, कम हियर बलाज, ये पकड़े और मुझे बाइट लेके बताइए, गर्म बहुत है, ध्यान से लेना ठीक है। सो अब मैं इसको भी दे देती हूँ, बहुत गर्म है अभी, बहुत ज़्यादा हॉट है, बिल्कुल पिज्जे जैसा लग रहा है इनका। मैं इसको भी कट करके देती हूँ। सो ये देखते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, देखते हैं इसको किस तरह का लगता है। मैं इसको भी देती हूँ, दोनों खा के मुझे बताएंगे। चलो बैठ के खाओ, मुझे बताओ कैसा बना है। आपने देखा मैंने ब्रेड वगैरह बनाई थी बच्चों के लिए, पानी गर्म हो चुका है, देखें कितनी डस्ट फौरन से आ जाती है। अच्छा मैंने आटा गूंदने के लिए भी इस तरह से करके रखा है, फिर इजीली गूंद जाता है। और अभी मुझे जो है रोटी पकानी है, तो गूंदा हुआ आटा पड़ा है थोड़ा सा, तो ये कि रात की रोटी बन जाएगी। मुझे तो खैर अभी खानी नहीं, मैं दिन नहीं चाह रहा, और आई थिंक 3 काफ़ी होंगी बच्चों की और हस्बैंड की। सो जितनी भी बनती है इसकी बना लेती हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर उस आटे को यूज़ कर लेंगे, तो रोटियाँ बना लेती हूँ जब तक फिर हस्बैंड आते हैं, तो बस फिर थोड़ी देर बाद खाना सकते हैं। और वो आ गए हैं आई थिंक, जी आ चुके हैं। सो बस रोटी छोटियाँ बनाते हैं, पर इनको ज़रा मिलके आ जाऊँ, उसके बाद खाना वाना बनाती हूँ। और यहाँ जो है ना हमारी क्या आया ये, कड़ी बनाई है मैंने, तो वो भी चाहिए। सो हियर इज द डिनर रेडी, चिकन एंड पालक वाला सालन, और साथ में मैंने ये भिजवाया है कड़ी, तो कौड़ा कड़ी। तो ये हमारा है रात का खाना, और ये है हमारा सैलेड जो कि दोबारा से स्टार्ट हो गया है। अच्छा इसमें पपीता है, और मैं ज़्यादातर पपीता खा रही हूँ, या अमरूद भी, मैं मेरी कोशिश होती है अमरूद दोपहर में खा लूँ, और मैंने आज दोपहर में भी अमरूद नहीं खाया। खैर अभी पपीता, खरबूजा, पपीता, पपाया, मेलन एंड गावा है, मतलब खरबूजा, पपीता एंड अमरूद, तो ये है अभी सब खाएँगे, मतलब अभी जो है ना वो रात में ज़रूर खाते हैं, तो ये वो साथ में खाएँगे। और ये है मैं खाना, और बच्चों की प्लेट ले जाऊंगी साथ में, जो है सर्व कर दूंगी, उनकी प्लेट्स जाएंगी साथ में। और ब्लॉग को बस यहीं पर एंड करती हूँ, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। बच्चों ने ये देखें स्टफ ब्रेड जो हमने बनाई थी पोटैटो, सारी माशाल्लाह से खा चुके हैं, इतना अच्छा है। मैंने कहा था ना बिल्कुल
पिज्जे का लुक देगी तो ये बिल्कुल उनको वैसी लगेगी। मैंने सारी खा ली। चलिए रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।